Welcome, friends. Need, needn't used as modal verbs. बहुत सारे modal verbs हम कर चुके हैं पहले. Need affirmative sentences में, assertive में, और needn't negative sentences में अगर हमने use करना है तो needn't, इसका हमने need not की shortened form ये needn't है. इसकी दूसरी forms जैसे हो सकती हैं, अगर needn't की मैं थोड़ा सा बात करें तो डोंट नीड टू, ये भी यूज़ कर सकते हैं नीडंट की बजाय डोंट नीड टू. किसी सेंटेंस में नीडंट जहां हम लगा रहे हैं, जहां लगाएंगे वहां पर डोंट नीड टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम. उसी तरह से हम इस्तेमाल अगर इसके इसके पास्ट में जाएं तो डू का क्या बन जाएगा, डिडंट, डिडंट नीड टू. अगर पास्ट की कोई बात कर रहे हैं, पास्ट में कोई ज़रूरत नहीं थी तो डू डोंट की जगह डिडंट हो जाएगा. उसी तरह से अगर जैसे हमने बात की थी दूसरे मॉडल्स में, नीडंट अगर हैव का इस्तेमाल उसमें करना पड़ रहा है हमें, प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसी तरह से सभी मॉडल्स में यही नियम लागू हुए थे तो यहाँ पर हम उसी तरह से इसको कर सकते हैं. सो दिस इज़ ए बिट फॉर्म्स ऑफ नीडंट. ये नीडंट की फॉर्म्स इस तरह से हम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं मीनिंग में, हम वन एंड द सेम थिंग, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी, और पास्ट में है तो ये भी, और इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं. अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहूँगा मैं यहाँ पर. अगर थोड़ा सा बैक हम जाते हैं, मसंट हमने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंपैरिजन यहाँ पर करना चाहूँगा नीडंट के साथ. समझ लीजिए, थोड़ा सा कंपैरिजन समझ लीजिए, मसंट और नीडंट में क्या फ़र्क है. मसंट जनरली अगर मैं यहाँ इसको कहूँ, वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ की कोई परमिशन नहीं है, समझ लीजिए. और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी. आर यू क्लियर? नॉट नेसेसरी, नॉट अलाउड. इस कैप्सूल को समझ लीजिए. जब जहाँ पर हमने कोई मैसेज ये देना है कि वो उस चीज़ की परमिशन नहीं है, वो समथिंग इज़ नॉट अलाउड टू बी डन, कोई कार्य किया जाना की इजाज़त नहीं है, तो वहाँ पर हम मॉडल मसंट यूज़ करते हैं. और जहाँ पर ये है कि उस कार्य के किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो नहीं किया जाना चाहिए, वहाँ पर हम नीडंट का इस्तेमाल करते हैं. इसके एग्जांपल्स हम ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज हम कर भी चुके हैं मसंट के, और नीडंट की आज हम बात करेंगे यहाँ पर. देखिए, अभी हम पहले नीड की बात करते हैं. एक बार नीड को हम किस तरह से यहाँ पर देखें, नीड के बारे में आपको मैं बता दूँ. नीड जो है ये ऑर्डिनरी वर्ब भी है, ऑर्डिनरी वर्ब भी है, और नीड जो है मॉडल वर्ब भी है. यहाँ पर आपको हम एग्जांपल्स देके बताएंगे. अभी नीड एक ऐसी वर्ब है जो बोथ वेज इस्तेमाल होती है. नीड ऑर्डिनरी वर्ब भी है, दूसरी जो ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं उनकी तरह है, और नीड यहाँ पर मॉडल वर्ब भी है, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब भी है. तो हम पहले ऑर्डिनरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स को यहाँ पर समझाते हैं नीड को, एग्जाम्पल देके देख लीजिए. यहाँ पर हम नीड को एज एन ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब के एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर. और दूसरी तरफ हम नीड के मॉडल वर्ब के रूप में. ओके, पहला सेंटेंस ऑर्डिनरी वर्ब का, जैसे सी इज थर्स्टी, उसे प्यास लगी हुई है. सी नीड्स अ ड्रिंक, सी नीड्स अ ड्रिंक. ओके, सी इज थर्स्टी, सी नीड्स, यहाँ पर नीड जो है ये
ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, क्योंकि इसके पीछे हम वैसे भी देख रहे हैं कि ऐसी आई एस यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में है। दूसरी तरफ अगर हम मॉडल वर्ब के रूप में नीड का इस्तेमाल करते हैं, नीड यू गो होम नाउ, नीड यू गो होम नाउ, नीड यू गो होम नाउ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पर ये नीड है ये मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल करके। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, डू यू ऑर्डिनरी वर्ब में, डू यू नीड टू गो नाउ, ओके, डू यू नीड टू गो नाउ, यहाँ पर ये ऑर्डिनरी वर्ब है। अगर हम मॉडल के रूप में यहाँ देखते हैं, नीड आई से मोर, यहाँ पर ये मॉडल के रूप में है। दूसरी तरफ अगर एक और एग्जांपल लिखते हैं, आई डू नॉट नीड टू मीट हिम, आई डू नॉट नीड टू मीट हिम, ये ऑर्डिनरी वर्ब है। इस तरफ अगर हम और देखते हैं, सपोज नेगेटिव के रूप में अगर देखते हैं, यू नीड नॉट स्पीक सो लाउडली, समझ लीजिए यहाँ पर एग्जांपल हमने दे दिए हैं। देखिए ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में जब नीड का इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर उसके पीछे जो वर्ब है वो टू प्लस इन्फिनिटिव हो सकता है या अकेला इन्फिनिटिव हो सकता है, राइट। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये नीड है, इसके पीछे टू प्लस इन्फिनिटिव है। इसी तरह से यहाँ पर ये है नीड है, इसके पीछे टू प्लस इन्फिनिटिव है, लेकिन मॉडल के रूप में आप देखेंगे कि बेयर इन्फिनिटिव है, हमेशा बेयर इन्फिनिटिव है। दिस इज़ द डिफरेंस, आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर टू प्लस इन्फिनिटिव है, टू प्लस इन्फिनिटिव। यहाँ पर मॉडल के रूप में, वैसे तो मॉडल्स में जनरल रूल ये है कि मॉडल्स वर्ब जब इस्तेमाल होती हैं तो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव विदाउट टू, फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नीड यूज एज ऑर्डिनरी वर्ब एंड यूज एज मॉडल वर्ब। नाउ सम मोर एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे needn't, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, she needn't come with us, if she doesn't want to, she need not come with us, इसके पीछे फिर वही रूल बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जैसे मैं एक और सेंटेंस देख रहा हूँ, you needn't cut the grass, I will do it, राइट। यहाँ पर needn't के पीछे फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हो रहा है। और इसमें और कुछ एग्जांपल्स जैसे हम देख सकते हैं, कुछ से हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे टिपिकल कुछ सेंटेंसेस हैं, आप याद रखेंगे इनको। जैसे एक वर्ड होता है हार्डली, कहता है स्केर्सली, एडवर्ब्स हैं स्केर्सली, ओनली, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, हमारे पास हैं। देखिए जैसे आई नीड
आई नीड हार्डली टेल यू, आई नीड हार्डली टेल यू, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई ज़रूरत है आपको ये सब बताने की। हार्डली मीन्स इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी टू टेल यू। हार्डली हार्डली बेटा, इट इज़ ए बिट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं दूँ आपको, आई नीड हार्डली टेक हिज हेल्प, टेक हिज हेल्प, शायद ही मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। आई नीड हार्डली, बड़े बेमुश्किल, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी ज़रूरत है कोई नीड की। दूसरा जैसे आई नीड स्केर्सली, आई नीड स्केर्सली एड दैट यू विल बी मिस्ड, स्केर्सली बहुत कम बार मुझे याद आएगी आपकी, नीड स्केर्सली एड, ये बात कहने की मुझे स्केर्सली शायद ही ज़रूरत है कि आपकी, यू विल बी मिस्ड, क्या आपकी याद आएगी हमें। इसी तरह से ओनली का अगर एग्जांपल्स मैं आपको दूँ, ओनली यहाँ पर, ओनली हमारे पास एग्जांपल है, ओनली द चेंजेस नीड ओनली be small to make the proposals, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है बट यहाँ पर to make the proposals acceptable, समझ लीजिए सेंटेंस को। the changes जो परिवर्तन किए जाने हैं need only be small, बहुत ज़रूरत है कि वो बहुत छोटी चेंजेस की जाएं, टू मेक दी प्रपोजल एक्सेप्ट, ताकि हमारे जो प्रस्ताव हो एक्सेप्टेबल हो जाएं, स्वीकार्य हो जाएं। नीड्स ओनली बी स्मॉल, ओनली बी स्मॉल यानी थोड़े से मामूली से उनके, ओनली ओनली। तो हमने देखा कि हार्डली, स्केर्सली, ओनली ये वर्ड जैसे हैं इनके बाद, नीड के बाद जो यूज़ होते हैं, और उनके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल सभी में हो रहा है। तो दिस वॉज समथिंग अबाउट the model need, need not और must not के बारे में भी हमने आपको बताया, इसकी various forms भी बताया, do not need to और did not need to past में अगर जाते हैं। तो this is something about need and need not। Thank you so much।